हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तनु कात्यायनी गुप्ता फ्रॉम मेरठ। वेलकम टू माय चैनल मिरेकल्स ऑफ कृष्णा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है क्लीम मंत्र पर। और ये कंफ्यूजन डाउट जो भी है, जो लोग अपनी क्वेरी मेरे को बता रहे हैं मेल में, कोशिश है मेरी कि मैं एक एक करके, वन बाय वन करके वीडियो के जरिए अपनी बात पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि क्लीम पर इतना कंफ्यूज ना होएं। आप कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात ये ही है काफी कि आपने सोचा उसको करने के लिए, आपको बिलीव हुआ, आपने अपने मन को मनाया कि मुझे ये चीज करनी है, इस चीज को करने से मेरी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो थैंक्स भगवान को बोलिए, क्लीम को थैंक्स बोलिए, और अपने इंटेंशन को बिल्कुल स्ट्रांग कर रखिए। जो भी आपने सोचा है, जो आपका इंटेंशन है, जो आपका उसको लेकर है, उसमें क्लियर रहिए। ये नहीं कि आप बार बार चेंज करेंगे या आपके माइंड में कंफ्यूजन आता रहेगा, वो सब बेकार हो जाएगा। फोकस जो करना है आपको, जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस पे कीजिए। और एक बात ये है कि माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें कितना लिखना है। कुछ लोग लिखते भी हैं, मैंने बताया भी था कि लिखना भी बहुत अच्छी बात है। लिखने से हमारे सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम साउंड सुनते हैं तो भी हमारा सब कुछ ध्यान उसी में रहता है। हम लिखेंगे तो वो तो हम और भी सबसे ज्यादा फल मिलता है लिखने का, क्योंकि हम उसमें लिख भी रहे हैं, एक एक शब्द उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब क्लीम लिखते लिखते आप कुछ और तो लिखेंगे नहीं, तो वो जो सेंस है, वो जो हमारा माइंड है, जो हमारा हार्ट है, वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसका तो और भी फल मिलता है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि हमें कितना लिखना है, कितना लिखने पर फल मिलेगा। ये कोई बात नहीं है, ये तो कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आप इतना लिखोगे तो होगा। जैसे मंदिर में आपने 11,000 चढ़ावा चढ़ाया तो आपको वो चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप कंट्रीब्यूट मंदिर के लिए, उसके रख रखाव के लिए, अगर आप 11 रुपये भी कर सकते हो ना, तो आप कर दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप 11,000 करेंगे तो ही आपके भगवान सुनेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसी मेरी सोच अपनी है। और लिखने के लिए भी यही बोलूंगी कि जितना आपसे हो सकता है आप फोर्स मत कीजिए, जितना मन करे ना उतना लिखिए। जब मैं लिखती हूँ या मैं कुछ करती हूँ, तो मेरा मन हुआ 10 टाइम्स लिखने का, तो मैंने लिख दिया 10 टाइम्स। फिर मुझे टाइम मिला, या फिर मैं कुछ, मेरा मन हुआ, मैंने 20 टाइम्स लिख दिया, कभी 5 टाइम्स लिख दिया। ऐसा भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर 108 टाइम्स लिखना है। जब जब मन करे तब तक भगवान को याद करते हैं, जब जब मन करे तब तब आप लिखिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इतना ही करना पड़ेगा, तो वो तो एक सौदा हो जाएगा, वो मत कीजिए। कोई डील नहीं है कि आप इतना करेंगे तो रिटर्न में आपको इतना मिलेगा। आप बस लिख कर दीजिए कि आपने करा है। मैं कृष्ण भगवान, राधा रानी का नाम लेती हूँ, तो मैं गिन के क्यों लूँ भाई? वो क्या मुझे चीजें गिन के देंगी कि मैंने ये दिया ये दिया? यह हिसाब किताब चलेगा कि एक पूरा उसका हम हिसाब लेके बैठेंगे कि अच्छा मैंने इतना किया है तो आपने मुझे इसके बदले क्या दिया है? तो आप गिनकर कुछ भी मत सोचिए, जितना हो रहा है उतना कर लीजिए। और अगर आपने एक दिन में 500 टाइम्स लिख दिया तो अच्छी बात है, अगले दिन आप नेक्स्ट 100 टाइम्स लिख दीजिए, 50 टाइम्स लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। बात तो है कि मन से लिखने की, वो उस पर फोकस कीजिए, काउंटिंग पे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो जिसने पूछा था, आई होप कन्फ्यूज़न दूर करने की मैंने कोशिश की है और आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर पाई। और कुछ भी हो तो आप मुझसे मेल में पूछ सकते हैं, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी लिख दी है, तो आप यू कैन आस्क मी वॉट एवर एनी क्वेश्चन। और आप कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। जैसा भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझे भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, डू क्लीम रेगुलरली। बाय बाय।